So hello everyone, welcome once again on my channel. So my name is Tushar. So in this video I am going to start with exercise 1.3, 1.2 और 1.2 के questions हम पहले ही upload कर चुके हैं. Before proceeding to 1.3 हमें इसका rule एक पढ़ना पड़ेगा जिसके बेस पर हम question करेंगे. अगर आपको याद हो तो last exercise में हमने integrating factor का concept use किया था. Integrating factor के base के ऊपर हमारे पास rule number 1 है जो हम use करेंगे 1.3 में. सो द रूल इज, अगर m और n मेरे पास हो होमोजीनियस फंक्शन, किस में, x और y में, और अगर मेरे पास इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो एग्जैक्ट नहीं होगी, तो मेरे पास क्या होगा इंटीग्रेटिव फैक्टर, दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन में एम एक्स प्लस एन वाई. बस हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि एम एक्स प्लस एन वाई मेरे पास जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया सो वन बाई जीरो विल बिकम इन्फिनिटी, जो कि मेरे पास क्या है, नॉट डिफाइंड. तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं मेन पॉइंट के बारे में. तो ये रूल हमारे पास तब एप्लीकेबल होगा जब इक्वेशन होगी होमोजीनियस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस, होमोजीनियस मींस डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए, किसकी, बोथ एम की और एन की सेपरेटली. मतलब पहले एन में जितने मेरे पास कोफिशेंट हैं उसके हम पहले डिग्री चेक करेंगे, देन वी विल चेक एन. अगर इनमें किसी एक में भी डिग्री सेम नहीं हुई, मान लीजिए एम के कोफिशेंट की डिग्री मेरे पास आती है कुछ अलग और एन की मेरे पास आती है डिग्री कुछ अलग, तब ये मेरे पास रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, जिससे आपको ये मेथड और भी ज़्यादा समझ में आएगा. सो क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3 वी हैव इज एक्स स्क्वेयर वाई माइनस टू एक्स वाई का स्क्वेयर इंटू डी एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ थ्री एक्स का स्क्वेयर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन. तो पहले आप यहाँ लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन नंबर वन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो. तो एम मेरे पास क्या आएगा, डी एक्स का कोफिशेंट दिस वन, और एन मेरे पास क्या आएगा, डी वाई का कोफिशेंट दैट इज दिस होल टर्म विद नेगेटिव साइन. तो पहले हम निकालते हैं यहाँ से करली एम अपॉन करली वाई, तो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर बाहर वाई का वन माइनस टू एक्स बाहर वाई स्क्वेयर का बनेगा टू वाई. तो क्या बन गया ओवरऑल, एक्स स्क्वेयर माइनस टू इंटू टू इज फोर एक्स वाई. करली एन अपॉन करली एक्स क्या बनेगा, नेगेटिव साइन बाहर एक्स क्यूब का बनेगा थ्री एक्स का स्क्वेयर माइनस थ्री वाई बाहर एक्स स्क्वायर का बनेगा टू एक्स. तो क्या बन गया ओवरऑल, अगर मैं लूँ पूरे से कॉमन थ्री तो क्या बनेगा, नेगेटिव साइन मेरे पास बाहर था और हमने यहाँ से लिया कॉमन थ्री, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू वाई एक्स. अगर आप चेक करें ये और ये मेरे पास क्या है, इक्वल नहीं है. सो इट मीन्स करली एम अपॉन करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स, इट मीन्स वन इज नॉट एग्जैक्ट, वन इज नॉट एग्जैक्ट. अब वन एग्जैक्ट नहीं है सो इट मीन्स हमें वन को किसी ना किसी इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1.2 में जो हमने इंटीग्रेटिव फैक्टर लगाया था वो हमने लगाया था विद ऑब्जर्विंग, बट हर टाइम हमारे लिए ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है. तो पहले हम ट्राई करते हैं इसमें रूल नंबर वन लगाने के लिए. सो रूल नंबर वन में मेरे पास क्या था, सो रूल मेरे पास था अगर एम और एन मेरे पास क्या हो, होमोजीनियस. नाउ यू कैन सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस. तो एम मेरे पास क्या है, दिस होल टर्म, और एन मेरे पास क्या है, दिस होल टर्म. अब आते हैं बात होमोजीनियस की. तो होमोजीनियस का मतलब मेरे पास क्या है, डिग्री सेम होनी चाहिए एम के कोफिशेंट की और एन के. तो पहले हम बात करते हैं एम के. तो एम में मेरे पास क्या है, दो टर्म्स है, एक ये है और एक ये है. अगर आप चेक करें इसकी डिग्री तो क्या है, वो एक्स की डिग्री टू वाई की वन, तो कितनी होगी टोटल डिग्री इस पूरे फैक्टर की, टू प्लस वन इज थ्री. और अगर मैं बात करूँ इसकी तो एक्स की वन वाई की टू, तो क्या होगी पूरे की थ्री. तो अगर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मेरे पास m की जो डिग्री है वो कितनी है, थ्री है. और अब आती है बात n की, तो n में हम चेक करते हैं, तो x की थ्री दैट इज इसकी तो मेरे पास हुई थ्री, और मैं अब चेक करता हूँ इसकी, तो x की टू y की वन, तो कितनी है टोटल, टू प्लस वन इज थ्री. सो इट मीन्स n की भी मेरे पास कितनी डिग्री है, टोटल थ्री. तो उसने यहाँ पर ये क्या रखा है कि अगर m और n मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन हो, दैट इज़ उनकी जो डिग्री आएगी वो बराबर आएगी. m की मेरे पास कितनी डिग्री आई है, थ्री, और एन की मेरे पास कितनी डिग्री आई है, थ्री. सो इट मीन्स दोनों की जो डिग्री है वो सेम है. पास रूल नंबर वन की कंडीशन थी वो मेरे पास यहाँ फुलफिल हो रही है. सो इट मीन्स जो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो मेरे पास होगा वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई. तो पहले हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो मेरे पास यहाँ से आंसर आएगा उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई विद वन. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू वन अपॉन में एम एक्स प्लस एन वाई. तो वन अपॉन में एम मेरे पास था एक्स स्क्वेयर वाई माइनस में टू एक्स वाई का स्क्वेयर इंटू में एक्स, प्लस एन मेरे पास था ये
माइनस को ले जाता हूँ मैं अंदर, एक्स क्यूब माइनस माइनस विल बिकम प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई इन टू में वाई, तो क्या बनेगा लास्ट में ये वन अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई इन टू एक्स इज एक्स क्यूब वाई माइनस ऑफ टू एक्स इन टू एक्स इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स क्यूब इन टू वाई माइनस ऑफ एक्स क्यूब इन टू वाई प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर वाई इन टू वाई, तो क्या बनेगा थ्री एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर थ्री एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। सो इससे ये कैंसिल आउट और मेरे पास क्या बनेगा थ्री एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी वन अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इट मीन्स हमें क्वेश्चन नंबर वन को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज वन अपॉन एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई वन विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मेरे पास क्या है वन अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो जब आप करेंगे वन को विद दिस फैक्टर तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और वाई अपॉन में दिस वाई स्क्वायर, तो क्या बचेगा वन अपॉन वाई माइनस वन को मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर तो क्या बनेगा टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा अंदर वन अपॉन एक्स और टू मेरे पास यहाँ था ही डी एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर से ही मेरे पास बचेगा ऊपर एक एक्स और डिवाइड में बचेगा वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर से एक्स का कैंसिल वाई अपॉन में वाई स्क्वायर मेरे पास बचेगा सिर्फ एक वाई जो कि बचेगा डिवाइड में डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये मेरे पास आती है न्यू इक्वेशन जो मेरे पास कब आई है जब मैंने वन को किया मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ से हम दोबारा करेंगे कंपेयर इसको, कंपेयर टू विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो एम मेरे पास क्या आएगा वन अपॉन वाई माइनस टू एक्स और एन मेरे पास क्या आएगा माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ऑफ थ्री अपॉन वाई। तो पहले हम निकालते हैं करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन वाई का बनेगा माइनस ऑफ वन बाई वाई स्क्वायर और ये मेरे पास होएगा जीरो क्योंकि इसमें मेरे पास क्या है कॉन्स्टेंट। नाउ वी विल कंप्यूट करली एन अपॉन करली एक्स, तो क्या बनेगा माइनस तो बार था ही वन बाई वाई स्क्वायर एक्स का वन और इसका मेरे पास बनेगा जीरो, तो क्या बन गया ओवरऑल माइनस ऑफ वन बाई वाई स्क्वायर एंड बोथ आर इक्वल, सो इट मीन्स करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल्स टू करली एन अपॉन करली एक्स एंड दिस शोज दैट कौन सी इक्वेशन मेरे पास एग्जैक्ट बनेगी इक्वेशन नंबर टू इज एग्जैक्ट, क्योंकि ये मेरे पास कब इक्वल आया है जब हमने m और n लिए हैं इक्वेशन नंबर टू के, तो मेरे पास क्या होगा सोल्यूशन एम डी एक्स, एम मैंने लिया है यहाँ पर टू का क्योंकि वहीं से मेरे पास क्या आई थी इक्वेशन एग्जैक्ट, तो एम डी एक्स एम मेरे पास क्या है वन अपॉन वाई माइनस टू अपॉन एक्स डी एक्स विथ टेकिंग वाई एज कॉन्स्टेंट प्लस एन में वो टर्म जहाँ एक्स इन्वॉल्व नहीं है, ये जो मेरे पास माइनस है इसको पहले मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई माइनस एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन वाई, तो पहले टर्म में मेरे पास क्या है एक्स इन्वॉल्व तो इसको हमें नहीं लेना है, इसके अलावा जहाँ पर एक्स इन्वॉल्व नहीं है हम वो लेंगे, तो इसमें मेरे पास एक्स इन्वॉल्व नहीं है तो हम ये लेंगे थ्री अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू सी, सो वन बाय वाई तो आएगा बाहर क्योंकि कॉन्स्टेंट है और डी एक्स का बनेगा एक्स माइनस ऑफ टू वन बाय एक्स का बनेगा लॉग एक्स प्लस थ्री वन अपॉन वाई का बनेगा लॉग वाई इज इक्वल टू सी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू वी हैव इज दिस, इसको हमने नाम दे दिया है वन, तो आप क्या लिखेंगे कंपेयर वन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो एम मेरे पास क्या आएगा डी एक्स का कोफिशेंट दैट इज थ्री एक्स वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ वाई क्यूब और एन मेरे पास क्या आएगा डी वाई का कोफिशेंट दैट इज दिस होल टर्म विद नेगेटिव साइन, सो माइनस ऑफ टू एक्स का स्क्वायर वाई माइनस ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर, तो करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल्स टू थ्री एक्स बाहर वाई स्क्वायर का बनेगा टू वाई माइनस ऑफ वाई क्यूब का बनेगा थ्री वाई का स्क्वायर, तो क्या बन गया ओवरऑल थ्री इंटू टू इज सिक्स एक्स वाई माइनस ऑफ थ्री वाई का स्क्वायर। नाउ वी विल कंप्यूट करली एन अपॉन करली एक्स, तो क्या बनेगा माइनस बाहर टू वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाहर एक्स का वन, तो क्या बन गया ओवरऑल माइनस तो बाहर टू इंटू टू इज फोर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर,
और आप देख सकते हैं कि दीज टू आर नॉट इक्वल. सो दिस इंप्लाइज कर्ली एम अपॉन कर्ली वाई इज नॉट इक्वल टू कर्ली एन अपॉन कर्ली एक्स. सो दिस इंप्लाइज वन इज नॉट एग्जैक्ट. आपको मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज हम तभी करेंगे जब मेरे पास इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आएगी. तो हम पहले चेक करते हैं क्या हम यहाँ पर रूल नंबर वन अप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे पास m और n सेपरेटली होमोजीनियस है या नहीं. तो पहले हम चेक करते हैं डिग्री ऑफ m. तो m की मेरे पास क्या डिग्री है, x की 1, y की 2. तो 1 प्लस 2 इज 3 और y की 3. तो मेरे पास m की कितनी डिग्री है होल की, 3. यहाँ मेरे पास 3, 4, 5, इससे मेरे पास कुछ फर्क नहीं पड़ता. बस हमें जो मेरे पास वेरिएबल है दैट इज़ x, y, चाहे z भी हो, हमें सिर्फ उससे मतलब है. हमें इसका जो कॉन्स्टेंट है इससे कोई हमें मतलब नहीं है. अब हम चेक करते हैं n की. तो n की मेरे पास क्या बनेगी, x की 2, y की 1. तो 2 प्लस 1 इज 3 और x की 1, y की 2. तो क्या बन गया, 1 प्लस 2 इज 3. तो n की मेरे पास क्या होगी, पूरी की डिग्री 3. m की भी 3 है, n की भी 3 है. सो इट मीन्स मेरे पास क्या है, दोनों मेरे पास क्या है, सेपरेटली होमोजीनियस है. सो इट मीन्स मेरे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या होगा, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई. तो बस अब आप वैल्यू पुट करिए m की. तो m मेरे पास क्या है, ये इसको मुझे करना है मल्टीप्लाई विद x. तो क्या बनेगा, 3x का स्क्वायर y का स्क्वायर, 3x स्क्वायर y स्क्वायर. मैंने m को किया मल्टीप्लाई विद x, तो 3x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई क्यूब, माइनस ऑफ एक्स वाई क्यूब प्लस एन इन टू वाई. एन मेरे पास क्या है ये, और इसको मुझे करना है मल्टीप्लाई विद वाई. तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ टू एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, माइनस ऑफ टू एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस एक्स इन टू वाई क्यूब, प्लस एक्स इन टू वाई क्यूब. तो क्या बनेगा, इससे ये कैंसिल. तो क्या बन गया, वन अपॉन में 3x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ 2x का स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो क्या आ गया इसका मेरे पास आंसर, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो बस हमें क्या करना है, हमें करना है 1 को मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर. सो मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन 1 विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो मेरे पास क्या है, 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, 3x वाई का स्क्वायर अपॉन में दिस फैक्टर. तो एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 तो मेरे पास है ही, एक्स और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स के लिए मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है. तो 1 बाई एक्स का स्क्वायर तो बचेगा वाई डी एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई अपॉन वाई स्क्वायर विल बिकम 1 बाय वाई. तो 2 बाय वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में दिस फैक्टर. तो एक एक्स से एक एक्स कट गया, सो 1 बाय एक्स और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, डी वाई इज इक्वल टू 0. तो दिस इज द न्यू इक्वेशन. यहाँ से अब दोबारा कंपेयर करेंगे, तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा इस केस में, 3 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर. तो यहाँ से हम निकालते हैं पहले कर ली एम अपॉन कर ली वाई. तो क्या आएगा मेरे पास, 3 बाय एक्स 0, 1 बाय एक्स का स्क्वायर बाहर, वाई का 1. तो क्या बन गया, माइनस ऑफ 1 बाय एक्स का स्क्वायर. और एन मेरे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 अपॉन वाई माइनस ऑफ 1 बाय एक्स. तो यहाँ से हम निकालते हैं करली एन अपॉन करली एक्स. तो क्या बनेगा, माइनस 2 बाय वाई इज 0 माइनस ऑफ 1 बाय एक्स. तो माइनस 1 बाय एक्स का मेरे पास बनेगा, दिस कम्स आउट टू बी 1 बाय एक्स का स्क्वायर. सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो 1 बाय एक्स का स्क्वायर. तो क्या आ गया मेरे पास आंसर, माइनस ऑफ 1 बाय एक्स का स्क्वायर. अगर आप चेक करें तो इसका आंसर मेरे पास क्या है, माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और इसका आंसर मेरे पास यही है. तो इट मीन्स क्या है मेरे पास, करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल्स टू करली एन अपॉन करली एक्स. सो दिस मीन्स 2 इज एग्जैक्ट. तो मेरे पास क्या होगा सोल्यूशन, एम डी एक्स. तो एम मेरे पास क्या है, 3 अपॉन एक्स, एम हम लेंगे उसका जो मेरे पास इक्वेशन आई है एग्जैक्ट. तो 2 मेरे पास आई है एग्जैक्ट, इसलिए मेरे पास इसका हम लेंगे एम और एन. तो एम डी एक्स, तो एम मेरे पास ये रहा और डी एक्स विथ टेकिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, प्लस एन में वो टर्म जहाँ एक्स इन्वॉल्व ना हो. तो n को अगर मैं कर थोड़ा ओपन तो क्या बनेगा, माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स. इसमें मेरे पास x इन्वॉल्व नहीं है तो इसको हम लेंगे माइनस 2 अपॉन वाई, और यहाँ मेरे पास है इसलिए इसको हम नहीं लेंगे. तो क्या बचेगा सिर्फ, माइनस 2 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू सी, 3 बाहर 1 बाय एक्स का लॉग x माइनस ऑफ y 1 बाय एक्स का स्क्वायर का बनेगा मेरे पास
माइनस ऑफ वन बाय एक्स माइनस टू बाहर वन बाय वाई का बनेगा लॉग वाई इज इक्वल टू सी। तो क्या आ गया मेरे पास ओवरऑल आंसर, थ्री लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस ऑफ टू लॉग वाई इज इक्वल टू सी। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री वी हैव इज एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर इंटू डी एक्स माइनस ऑफ एक्स वाई क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन। कंपेयर करेंगे हम वन को विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो एम मेरे पास आएगा एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर और एन मेरे पास आएगा माइनस ऑफ एक्स वाई क्यूब। नाउ वी विल कंप्यूट करली एम अपॉन करली वाई। तो एक्स की पावर फोर तो होगा जीरो और वाई की पावर फोर का मेरे पास बनेगा फोर वाई क्यूब। सो ओवरऑल बनता है फोर वाई क्यूब। नाउ वी विल कंप्यूट करली एन अपॉन करली एक्स। तो माइनस वाई क्यूब तो बाहर और एक्स का वन। सो ओवरऑल आंसर इज माइनस ऑफ वाई क्यूब। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ है फोर वाई क्यूब यहाँ है माइनस वाई क्यूब। सो बोथ आर नॉट इक्वल इट मीन्स वन इज नॉट एग्जैक्ट। वन एग्जैक्ट नहीं है इसलिए हमें वन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद सम इंटीग्रेटिंग फैक्टर सो दैट इट विल बिकम एग्जैक्ट। तो हम पहले यहाँ ट्राई करते हैं रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग। तो रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या था, एम और एन शुड बी होमोजीनियस सेपरेटली। तो हम चेक करते हैं। तो एम मेरे पास क्या है, एक्स की पावर फोर और वाई की पावर फोर। तो एम की मेरे पास कितनी डिग्री है, टोटल फोर डिग्री। और हम बात करते हैं एन की। तो एन में मेरे पास क्या है, एक्स की पावर वन वाई की पावर थ्री। सो वन प्लस थ्री इज़ फोर। तो एन भी मेरे पास है फोर डिग्री में और एम भी मेरे पास है फोर डिग्री में। सो इट मीन्स बोथ आर होमोजीनियस। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, वन अपॉन में एम एक्स प्लस एन वाई। तो वन अपॉन में एम मेरे पास है ये, इसको मुझे करना है मल्टीप्लाई विद एक्स। सो एक्स की पावर फोर इन टू एक्स इज एक्स की पावर फाइव। वाई की पावर फोर इन टू एक्स इज एक्स इन टू वाई की पावर फोर। अब एन इन टू वाई तो क्या बनेगा, ये माइनस ऑफ एक्स वाई क्यूब इन टू वाई विल बिकम माइनस ऑफ एक्स वाई की पावर फोर। तो इससे ये कैंसल एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली वन अपॉन एक्स की पावर फाइव। सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो मल्टीप्लाई वन विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो क्या बनेगा मेरे पास, एक्स की पावर फोर डिवाइड बाई एक्स की पावर फाइव। सो विच इज़ वन बाई एक्स प्लस वाई की पावर फोर डिवाइड बाई एक्स की पावर फाइव। वाई की पावर फोर डिवाइड बाई एक्स की पावर फाइव डी एक्स माइनस एक्स वाई क्यूब अपॉन में एक्स की पावर फाइव। सो वाई क्यूब अपॉन में एक्स की पावर फोर डी वाई इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नाउ कंपेयर अगेन दिस विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो एम मेरे पास क्या आएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वाई की पावर फोर डिवाइड बाई एक्स की पावर फाइव और एन मेरे पास आएगा माइनस ऑफ वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स की पावर फोर। अगर आप कंप्यूट करें करली एम अपॉन करली वाई तो क्या आएगा, वन बाई एक्स का तो जीरो प्लस वन बाई एक्स की पावर फाइव बाहर और वाई की पावर फोर का बनेगा फोर वाई क्यूब। तो क्या गया ओवरऑल आंसर, फोर वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स की पावर फाइव। अब यहाँ से हम करते हैं करली एन अपॉन करली एक्स का। तो माइनस वाई क्यूब बाहर वन बाई एक्स की पावर फोर का बनेगा माइनस ऑफ फोर अपॉन में एक्स की पावर फाइव। तो क्या बन गया, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। सो फोर वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स की पावर फाइव। सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल, करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल्स टू करली एन अपॉन करली एक्स। सो दिस मीन्स टू इज एग्जैक्ट। अगर टू एग्जैक्ट है तो सोल्यूशन मेरे पास क्या आएगा, एम डी एक्स, एम मेरे पास ये है प्लस वाई की पावर फोर डिवाइड बाई एक्स की पावर फाइव डी एक्स विथ टेकिंग वाई एज कॉन्स्टेंट प्लस एन में वो टर्म जहाँ एक्स इन्वॉल्व ना हो। एन में मेरे पास एक ही टर्म है जिसमें एक्स इन्वॉल्व है तो ये टर्म तो बिल्कुल नहीं लेंगे। इसके अलावा मेरे पास क्या टर्म बचती है, कोई भी नहीं, इट मीन्स जीरो, डी वाई इज इक्वल टू सी। सो वी नीड टू इंटीग्रेट दिस ओनली। सो वन बाय एक्स इज लॉग एक्स प्लस वाई की पावर फोर बाहर वन बाय एक्स की पावर फाइव का इंटीग्रेशन की पावर माइनस फोर डिवाइड बाय माइनस फोर इज इक्वल टू सी। सो वट इज द ओवरऑल आंसर, लॉग एक्स माइनस वाई की पावर फोर डिवाइड बाय फोर एक्स की पावर फोर।
क्योंकि x की पावर माइनस फोर थी, इसको हम ले जाएंगे डिवाइड में, इज इक्वल टू c। तो अगर पूरे को मैं कर दूं मल्टीप्लाई विद 4 इंटू एक्स की पावर 4, तो क्या बनेगा, 4x की पावर 4 log x माइनस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 4c x की पावर 4, y की पावर 4 इज इक्वल टू 4x की पावर 4 log x माइनस ऑफ 4c x की पावर 4। अगर आप चाहे तो इस 4c को आप ले सकते हैं एक कांस्टेंट, दैट 4x की पावर 4 log x तो सेम, इसको आप दे दीजिए k नाम अगर आप देना चाहते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी सही है। सो k इंटू एक्स की पावर 4, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव इज वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कंपेयर 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो m मेरे पास होगा वाई स्क्वायर, एन मेरे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। तो पहले हम निकालते हैं करली एम अपॉन करली वाई, कम आउट्स टू बी 2y, देन करली एन अपॉन करली x, तो क्या है 2x माइनस वाई बाहर x का 1, इसका नहीं होगा कुछ क्योंकि y इसके लिए क्या है कांस्टेंट। सो दीज टू आर नॉट इक्वल, इट मींस करली एम अपॉन करली y इज नॉट इक्वल टू करली एन अपॉन करली x, 1 इज नॉट एग्जैक्ट। 1 अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इट मींस मेरे पास, हमें चेक करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर किस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करें। तो पहले हम यूज़ करते हैं रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग मेरे पास m और n मस्ट बी होमोजीनियस विद सेम डिग्री सेपरेटली। तो m मेरे पास क्या है y का स्क्वायर, दैट इज इस पूरे की डिग्री मेरे पास क्या है 2। तो m की मेरे पास कितनी डिग्री, टोटल 2। अब हमें चेक करना है n को, तो n मेरे पास क्या है x का स्क्वायर डिग्री 2, x की 1 y की 1 दैट इज 1 प्लस 1 इज 2 और y की भी 2। तो पूरे की मेरे पास कितनी डिग्री हुई, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। तो इट मीन्स ओवरऑल की कितनी डिग्री हुई, 2 डिग्री। सो इट मीन्स n भी मेरे पास क्या है सेपरेटली, हमने n को चेक किया है, ये भी मेरे पास क्या है होमोजीनियस है विद सेम डिग्री, और यहाँ पे मेरे पास क्या है सेम डिग्री। सो इट मीन्स, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी हैव इज 1 बाय एम एक्स प्लस एन वाई, ये मेरे पास कैसे आया अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। और यहाँ पर आपको मैंशन करने की जरूरत नहीं है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, होमोजीनियस से मेरा मतलब है कि m और n दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर m ओवरऑल डिग्री आ रही है 2 और n की मेरे पास ओवरऑल डिग्री आ रही है 3, तब ये दोनों होमोजीनियस नहीं होंगे। मानते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 और n मेरे पास क्या है 3, बट दोनों मेरे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये नहीं है कि इसकी अगर 2 है तो इसकी 3 होगी, दोनों की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। तो क्या बनेगा 1 अपॉन में m मेरे पास है ये इन टू x, तो एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एन इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स वाई इंटू वाई इज माइनस ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर, और वाई इंटू वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब विद नेगेटिव साइन। तो क्या आ गया मेरे पास एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो मेरे पास आता है यहाँ से मेरे पास क्या आएगा कॉमन वाई, तो मेरे पास क्या आ गया आंसर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ये मेरे पास क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। सो मल्टीप्लाई 1 विद, मल्टीप्लाई 1 विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो कैसे करेंगे वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स प्लस 1 अपॉन में वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो एक वाई से एक वाई कैंसिल, सो वी हैव इज वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें थोड़ा आपको पहले चेंज करना पड़ेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। सो वट इज़ द चेंज, लेट सी। सो 1 अपॉन में वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो वट वी विल डू, जो आप ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको आप करेंगे ग्रुप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो मेरे पास ये एक्स वाई है इसको आप करेंगे सेपरेट। बात वही है बट इससे काफ़ी इम्पैक्ट होगा इस चीज़ के ऊपर। देखें वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, अब इसको आप करिए अंदर इंट्रोड्यूस, तो क्या होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको आप करिए अब इससे मल्टीप्लाई माइनस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
टी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वाई अकाउंट में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, सो वट वी हैव इज वन बाय वाई माइनस इस वाई से वाई कैंसिल, सो वट वी हैव इज एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अगर आप ये मॉडिफिकेशन नहीं करते तो इससे मेरे पास कैंसिल नहीं होना था। सो दिस इज इक्वेशन नंबर टू। सो बस आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि इस फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी। एम मेरे पास क्या होगा, दिस वाई अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और एन मेरे पास क्या होगा, डी वाई का कोफिशेंट दैट इज वन अपॉन वाई माइनस ऑफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो पहले हम निकालते हैं कर्ली एम अपॉन कर्ली वाई, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई मेरे पास क्या है, न्यूमरेटर में भी है और डेनोमिनेटर में भी है। सो इट मीन्स वेरिएबल अपॉन वेरिएबल, इट मीन्स यहाँ हम यूज़ करेंगे यू बाई वी फॉर्मूला का, नीचे वाले का स्क्वेयर दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, नीचे वाला एस टीज दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एस टीज इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाले का, ऊपर मेरे पास है वाई, वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई इज वन माइनस ऊपर वाला एस टीज नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। नीचे वाले का अगर हम करें तो एक्स स्क्वेयर का विद रिस्पेक्ट टू वाई इज जीरो, और वाई स्क्वेयर का क्या बनेगा टू वाई, और माइनस मेरे पास था इसलिए माइनस मैंने लगा दिया पहले ही, तो क्या आ गया मेरे पास ओवरऑल एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, माइनस माइनस विल बिकम प्लस टू वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। सो ओवरऑल आंसर वी हैव इज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस टू वाई स्क्वेयर इज प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। नाउ वी विल कंप्यूट कर लिया एन अपॉन कर लिया एक्स, सो वन बाय वाई का जीरो माइनस, अब एक्स मेरे पास ऊपर भी है और एक्स मेरे पास नीचे भी है, सो इट मीन्स वेरिएबल अपॉन वेरिएबल। सो यहाँ भी हम यूज़ करेंगे यू बाई वी रूल का, तो क्या होगा उसके अकॉर्डिंग, नीचे वाले का स्क्वेयर मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, नीचे वाला एस टीज दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू में डेरिवेटिव वो ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन माइनस एक्स एस टीज इंटू में डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो नीचे मेरे पास क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर का बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज टू एक्स, और वाई क्या है कॉन्स्टेंट, इसका जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या बनेगा जीरो, तो टू एक्स माइनस जीरो, तो क्या आ गया मेरे पास ये माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एक्स इंटू टू एक्स इज टू एक्स का स्क्वेयर विद नेगेटिव साइन डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स का स्क्वेयर इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर और माइनस का वाई स्क्वेयर एज इट इज डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो अगर आप इस साइन को ले जाए अंदर तो क्या बनेगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो एक्स का स्क्वेयर माइनस माइनस विल बिकम प्लस सो वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो अगर आप देखें तो दिस टर्म एंड दिस टर्म आर इक्वल, इट मीन्स कर्ली एम अपॉन कर्ली वाई इज इक्वल्स टू कर्ली एन अपॉन कर्ली एक्स, इट मीन्स इक्वेशन टू इज एग्जैक्ट। अगर टू एग्जैक्ट है तो मेरे पास क्या होगा सोल्यूशन एम डी एक्स, तो एम मेरे पास है ये विथ टेकिंग वाई एज कॉन्स्टेंट इंटू डी एक्स प्लस एन में हम लेंगे सिर्फ वो टर्म जहाँ पर एक्स इन्वॉल्व नहीं होगा, तो एन में मेरे पास है दो टर्म्स, फर्स्ट में मेरे पास एक्स नहीं है तो ये तो टर्म मेरे पास आएगी, बट सेकंड में मेरे पास एक्स इन्वॉल्व है तो हमने वो टर्म नहीं लेनी है जिसमें एक्स इन्वॉल्व हो, तो हमने सिर्फ ये टर्म लिया जिसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं है, बाकी ये नहीं आएगी। सो वन बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू सी, तो वाई हम लेंगे बाहर और अब हमारे पास होगा वन अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, जहाँ पर वाई मेरे पास क्या है कॉन्स्टेंट इंटू डी एक्स प्लस वन बाय वाई का मेरे पास होगा लॉग वाई इज इक्वल्स टू सी, तो वाई इंटू अब वन अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, जहाँ पर वाई मेरे पास क्या है कॉन्स्टेंट। सो एक तरीके से हम कहें तो ये क्या बनेगा वन अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस कॉन्स्टेंट का स्क्वेयर, तो इसका मेरे पास फॉर्मूला क्या है वन बाय में टू इंटू कॉन्स्टेंट, अब कॉन्स्टेंट मेरे पास क्या है यहाँ पर वाई, सो वन बाय में टू इंटू कॉन्स्टेंट देन लॉग ऑफ एक्स माइनस कॉन्स्टेंट दैट इज वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर और यू शुड रिमेंबर प्लस लॉग वाई। अब मेरे पास दोनों टर्म है लॉग में
और ये भी लॉग में। सो इट मीन्स जो मेरे पास कॉन्स्टेंट है उसको भी मैं करूँगा मॉडिफाई इन टू लॉग, सो दैट आंसर मेरे पास आ जाए ईजी। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा लॉग के, आप चाहें तो लॉग सी वन लॉग सी टू कुछ भी लिख सकते हैं, इट इज़ योर ओन चॉइस। वाई से वाई कैंसिल, सो वट वी हैव इज वन बाय टू लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग के। अब वन बाय टू मेरे पास बाहर है तो इसको मैं पावर में भेज सकता हूँ क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है ये। सो लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, इसकी पावर मेरे पास क्या है, वन बाय टू प्लस लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग के। अब ये मेरे पास क्या है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो क्या बनेगा लॉग ए बी, तो वो मेरे पास कैसे बनेगा, लॉग ए इज दिस और यहाँ मेरे पास क्या है पावर वन बाय टू, तो मैं चाहूँ तो उसको पूरे को इस तरीके से लिख सकता हूँ इन टू में बी, और बी मेरे पास क्या है वाई विदाउट अंडर रूट इज इक्वल्स टू लॉग के, तो लॉग से लॉग कैंसिल। सो वट वी हैव इज एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई इन टू में वाई इज इक्वल्स टू के, तो हम करेंगे दोनों साइड में स्क्वेयरिंग। सो वट वी हैव आफ्टर स्क्वेयरिंग एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई इन टू में वाई का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू के स्क्वेयर, तो एक्स माइनस वाई इन टू में वाई स्क्वेयर, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई साइड में तो क्या बनेगा के स्क्वेयर इन टू में एक्स प्लस वाई, तो क्या बन गया ओवरऑल मेरे पास आंसर एक्स माइनस वाई इन टू वाई स्क्वेयर। इसको अगर आप चाहें तो एक सिंगल कॉन्स्टेंट हमने मान लिया सी वन तो एक्स प्लस वाई, सो दिस इज द सोल्यूशन। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, इट डजेंट मैटर कि आप इसको के स्क्वेयर लिखें या सी वन लिखें। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर। सो फ्रेंड्स वी हैव कम्प्लीटेड एक्सरसाइज 1.3 टिल टूडे एंड फ्रॉम नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.4। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग माय वीडियो दैट व्हाट काइंड ऑफ वीडियो शुड आई अपलोड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उन पर वीडियो लाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।